हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा यह लर्न विथ प्रैक्टिकल में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं वो क्या है, वह हमारा क्लास 10 मीन CBSE क्लास 10 के बच्चों में जो नया सिलेबस आया है उसमें कौन सा चैप्टर कितने नंबर का किस में क्या रिड्यूज हुआ है, वो सारे चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम अपना साइंस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा साइंस है। तो साइंस में हम सबसे पहले जो हम आप जैसा कि जानते होंगे 40-40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम है हमारा एसेशन, रीजन, MCQ और केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ तक ये हमारा टर्म वन का, देखिए जैसा कि यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3 है और यहाँ पे टर्म टू हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्म वन का, ये हो गया हमारा टर्म टू का साइंस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा चैप्टर में हमारा कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टर्म वन एंड टू का। अगर आपको अभी वन का देखना है तो आप सिर्फ वन का ही लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री आता है हमारा साइंस में, केमिकल सब्सटेंस। जैसा कि इसमें जान रहते होंगे आप, चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन वाला, चैप्टर टू एसिड बेस एंड साल्ट, एंड चैप्टर थ्री मेटल एंड नॉन मेटल, ये तीनों आ रहा है। तो टोटल मार्क्स तो हमारा 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और 10 मार्क्स हमारा स्कूल वाला देने वाला है। ओके, तो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर मीन्स ये केमिकल रिएक्शन एसिड एंड बेस वाला और जो है हमारा क्या मेटल एंड नॉन मेटल, इससे हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके, तो ध्यान में रख लीजिए केमिस्ट्री से हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और तीन चैप्टर है और तीनों चैप्टर में आप समझ सकते हो आप किस तरह से आने वाले हैं। ओके, अब है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। भाई इस बार तो बायोलॉजी में चैप्टर वन ही बस आने वाला है, लाइफ प्रोसेस। ओके, चैप्टर सिक्स टर्म वन में सिर्फ एक चैप्टर आएगा बायोलॉजी से, जो कि काफ़ी हैवी मार्क्स रहेगा हमारा, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओ माय गॉड, 10 मार्क्स हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ये हमारा 10 मार्क्स से पूछेगा। ओके, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि 10 मार्क्स से एक चैप्टर से पूछ रहा है तो काफ़ी अच्छा बात है ये हमारे लिए। अब जो हमारा नेचुरल फिनोमिनोम मीन्स जो हमारा फिजिक्स आ गया, नेचुरल फिनोमिनोम मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर 10 एंड 11, 10 में हमारा क्या है लाइट और 11 में हमारा क्या है द ह्यूमन आई, तो इससे जो है हमारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा टर्म वन का साइंस का। ओके, अब टर्म टू में देखते हैं, टर्म टू में हमारा क्या है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 एंड 5। ओके, तो फिर केमिस्ट्री में अब हमारा दो चैप्टर बच गया, कौन सा कार्बन वाला और एक बच गया क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट। ओके, तो उससे अब हमारा 10 मार्क्स का ही पूछेगा। अब 10 मार्क्स टर्म टू में जैसा कि आप जान रहे होंगे अभी तक कि उसमें हमारा क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पूछने वाला है, बट 40 मार्क्स का ही। ओके, और टाइम हमारे पास 90 मिनट ओनली है, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हमारा केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में जो चैप्टर 4 एंड 5 बचा है उसमें हमारा 10 मार्क्स से पूछेगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग मीन्स बायोलॉजी में चैप्टर 8 एंड 9 उसमें हमारा 13 मार्क्स का पूछेगा। ओके, और जो हमारा इफेक्ट ऑफ करेंट मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला है फर्स्ट, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो उसमें जो हमारा 12 मार्क्स से पूछने वाला है। और एक हमारा नेचुरल रिसोर्स चैप्टर 15 है उससे हमारा स्पेसिफिक 5 मार्क्स का पूछेगा, इसलिए आपको चैप्टर 5 भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो यही सब बातें हैं कुछ अब हमारे यहाँ पे जो है, ये अभी आपके समझने के लिए नहीं है। ओके, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। अब देखिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। सेकेंड चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसमें भी एक तरह से आप समझ सकते हो कि कुछ नहीं रिड्यूस हुआ है, वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके क्लियरली पढ़ सकते हो। अब जो रिड्यूस हुआ है चैप्टर 3 वो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें देखते हैं क्या हमारा आएगा सिर्फ। तो मेटल नॉन मेटल में आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दिया होगा एक,
वो आएगा आपको, और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये सभी कुछ बातें आप इनको एनसीईआरटी में देख लो, उस टॉपिक में टिक लगा लो जो सब आने वाले हैं। इसी के साथ जो है हमारा अब है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि हमारा बायोलॉजी का है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम देखते हैं क्या हमारा आने वाला है। लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें भी हमारा सारे चीज़ आने वाले हैं, एक भी चीज़ इसमें से हमारा डिस्काउंट नहीं दिया गया है। ओके, अब है हमारा क्या, अब है हमारा फिजिक्स का बारी। तो फिजिक्स में चैप्टर 10 लाइट है हमारा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें भी कुछ नहीं हटाया गया है। और चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो इसमें भी एक तरह से सारी चीज़ें आने वाली हैं। ओके, अब देखिए टर्म 2 में आए, टर्म 2 में हमारा क्या होने वाला है। इसमें हमारा है यूनिट 1 मीन्स केमिकल सब्सटेंस। तो इसमें हमारा 2 चैप्टर आने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें से कुछ रिड्यूस हुआ है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला में, देखते हैं क्या। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ये हमारा आने वाला है, इसमें टिक लगा लीजिए। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ओके, होमोलोगियस सीरीज, तो ये सभी चीज़ आने वाली हैं। अब चैप्टर 5 में है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें देखिए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे हमारे, उन सभी के बारे में भी आने वाला है। ओके, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आने वाला है। तो इस तरह से इस चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमारी सारी चीज़ें आने वाली है। ओके, अब है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें देखते हैं क्या सब आएगा हमारा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके, सेफ सेक्स वर्सेस HIV बाय एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ। ओके, तो ये सभी चीज़ें आने वाली हैं। अब है चैप्टर 9 जो कि हमारा हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें हेरिडेटरी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइट्स, सेक्स डिटर्मिनेशंस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इन सभी के बारे में आने वाले हैं। अब जो हमारा आगे अब फिजिक्स में, किसका अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं टर्म 2 का बता रहा हूँ। टर्म 2 में हमारा फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी सभी चीज़ें आएंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कुछ रिड्यूज हुए, देखते हैं क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फील्ड लाइन्स के बारे में, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एंड ऑड सोलेनोइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंड्यूस करंट एंड फ्लेमिंगोज राइट हैंड रूल ऑल्सो पढ़ना है। अब चैप्टर 5 जो कि मैंने यूनिट 5 में बता रहा था, जो कि 5 मार्क्स इसमें एक अलग से पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, आवर इन्वायरमेंट है चैप्टर का नाम। इसमें क्या रिलेटेड है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशंस, वेस्ट प्रोडक्शंस एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल सब्सटेंस। तो ये सभी चीज़ हमारे आने वाले हैं टर्म 2 में यूनिट 5 आवर इन्वायरमेंट से, और 5 मार्क्स का, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसे। ओके, अब ये इंटरनल असाइनमेंट है, जो कि कुछ कुछ चैप्टर्स हमारा रिड्यूज हुआ है, जो सब चैप्टर का मैंने नाम लिया वही सब चैप्टर आने वाले हैं। जो जो चैप्टर बाकी है उसमें से कुछ इंटरनल आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ओके, लाइक फॉर प्रैक्टिकल्स आर एक्सेट्रा। अब जो है हमारा वो किसका है, ये कुछ है हमारा वही प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, तो इसे आप आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी हमारा प्रैक्टिकल में ही आता है, तो ये सभी बातें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से समझ लीजिएगा।